नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, योग्य ऑफिसर को सरकार 4 सप्ताह में दे प्रमोशन। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार की ओर से साल 2020 दिसंबर में लगे प्रमोशन पर रोक के आदेश को फिलहाल सीधे निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डीपीएस के जरिए जिन अधिकारियों को प्रमोशन के योग्य पाया जाता है, सरकार उन्हें 4 सप्ताह में प्रमोशन दे। कोर्ट ने कहा कि सरकार कुछ लोगों को प्रमोशन दे रही है, कुछ को नहीं। ये गलत है, प्रमोशन ऐसे नहीं दिया जा सकता। मामले में डिप्टी कलेक्टर रैंक में प्रमोशन के लिए याचिका दायर की गई थी। इस मामले में रश्मि लाकड़ा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सरकार कुछ विभागों में प्रमोशन दे रही है और कुछ विभागों में नहीं। सरकार पिक एंड यूज नहीं कर सकती। पिछली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और चंचल जैन ने अदालत को बताया था कि 24 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार की ओर से सभी प्रोन्नत पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद भी कई विभागों में प्रोन्नत की अधिसूचना जारी की गई, लेकिन इस मामले में सरकार वादियों के साथ भेदभाव कर रही है। इस आदेश को सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता। ना तो ये राज्यपाल का आदेश और ना ही प्रोन्नत पर रोक का कोई कारण बताया गया। यह आदेश एक विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी किया गया। इस आदेश पर प्रोन्नत के मामला लंबित नहीं रखा जा सकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।